सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से जितना रुपये भी आप पेमेंट करना चाहते हैं इस तरीके से, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पे फ्रॉम में पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट इस तरीके से आ चुका है, यानी कि आपका ही पेटीएम वॉलेट में इस तरीके से यहाँ पर वॉलेट बैलेंस है और इसको आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो पेटीएम अकाउंट है उसका केवाईसी नहीं हुआ है जिस कारण से आप अपना वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लाइव कि कैसे आप इंस्टेंट जो है कि विदाउट केवाईसी के, जैसे आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर ट्रांसफ़र टू अकाउंट बैंक में कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपग्रेड योर केवाईसी, यानी कि केवाईसी कंप्लीट करने के बाद ही जो है कि यहाँ पर बोला है कि आप अपना वॉलेट का बैलेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो कि विदाउट केवाईसी, आपको कोई भी केवाईसी करने की ज़रूरत नहीं है और आप अपना पेटीएम वॉलेट का जो भी बैलेंस है उसको आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं। नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग वीडियोस को देखते देखते लाइक करना भूल जाते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए या फिर वीडियो के एंड में भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है ऑल पर क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे यहाँ से हम पेटीएम को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमारा ये जो पेटीएम को हमने ओपन किया और यहाँ पर वॉलेट पे क्लिक किया और जो भी आपका बैलेंस होगा यहाँ पर शो, यहाँ पर होगा कि आपका यहाँ पर टोटल बैलेंस इतना रुपये आपका पेटीएम वॉलेट में है। और यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ट्रांसफ़र टू बैंक में क्लिक करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि केवाईसी यहाँ पर मांग रहा, तभी आप जो है कि अपना जो है कि जो वॉलेट बैलेंस है उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे हम पेटीएम को ओपन करते हैं, आपको पेटीएम को ओपन करने के बाद इस तरीके से हम आते हैं होम में और आपको यहाँ पर देखेंगे यूपीआई मनी ट्रांसफ़र में कई सारे आपको ऑप्शन देखने मिलता है, जैसे स्कैन एंड पे हो गया, टू मोबाइल टू कॉन्टैक्ट हो गया, योर कॉन्टैक्ट हो गया, लिंक रुपए कार्ड टू यूपीआई, लिंक टू बैंक अकाउंट योर सेल्फ अकाउंट, यहां से यानी कि आप इस तरीके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्कैन ए पे वाले पर क्लिक करना है और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आप जो कि ये स्कैनर यहाँ पर ये जो ओपन हो जाता है कि आपको बोला जाता है कि आप इस तरीके से क्यूआर को यहाँ से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको ये वाला इसको ओपन करके यहाँ पर देखेंगे स्कैन फ्रॉम गैलरी और व्हाट्सअप, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका गैलरी में फ़ोटोज़ वगैरह होगा या स्क्रीनशॉट होगा जो भी होगा यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक हमारे पास क्यूआर कोड है, हमने इसको क्यूआर कोड को हम सेलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से जितना रुपये भी आप पेमेंट करना चाहते हैं इस तरीके से, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पे फ्रॉम में पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट इस तरीके से आ चुका है, यानी कि हमारा जो हमने स्कैन किया और यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि इस तरीके से हम अपना जो वॉलेट बैलेंस है उसको हम यहाँ पर क्लिक करके इंस्टेंट जो है कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्यूआर कोड के थ्रू। तो आपको करना क्या है कि आपको पेटीएम का जो बिज़नेस ऐप है उसमें पेटीएम का बिज़नेस ऐप में जा करके आपको अकाउंट बनाना है, और जो आप पेटीएम बिज़नेस ऐप में अकाउंट बनाएंगे उस क्यूआर कोड पे आप पेटीएम के थ्रू वॉलेट बैलेंस को पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप पेटीएम जो कि बिज़नेस में अकाउंट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट लिंक करने का, जैसे आप पेटीएम के थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करेंगे इंस्टेंट जो आपने वहाँ पर बैंक अकाउंट लिंक किया होगा ये पैसा जो है कि ट्रांसफ़र होकर के आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा, तो जैसे हम यहाँ से जो हमारा पेटीएम का जो बिज़नेस ऐप है हम उसको भी ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो कि 10 रुपीज़ रिसिप्ट हुआ है, और ये जो रिसिप्ट होने के बाद ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, देख सकते हैं सेटलमेंट पेंडिंग है। तो यहाँ पर इंस्टेंट जो है कि कुछ ही मिनटों में ये जो है कि पेमेंट जो है कि सेटल हो जाएगा, और सेटल होने के बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक रहेगा यहाँ पर जो पेटीएम का जो बिज़नेस ऐप है ये बैलेंस जो है कि आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा।